हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल लकी स्टार। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले कि आप किस प्रकार से अपने फेसबुक अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कई बार यदि आप चाहते हैं कि आप अपना फेसबुक यूज़ नहीं करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप अपना जो फेसबुक अकाउंट उसे परमानेंटली डिलीट करना, तो आप उसे किस प्रकार से डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर हमने अपना फेसबुक ऐप ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद सिंपली आपको करना ये है कि आपको यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आप थ्री डॉट शो हो रहा होगा, आपको इस पर प्रेस कर लेना। इस पर प्रेस करने के बाद दोस्तों थोड़ा आपको तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे नीचे देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे आपको सेटिंग एंड प्राइवेसी का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर टैप कर लेना। इस पर टैप करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा एक, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे प्राइवेसी शॉर्टकट, आपको इस पर टैप कर लेना है। आप इस पर जैसे ही टैप करिएगा दोस्तों, आप यहाँ पे आ जाइएगा। इसमें थोड़ा आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि योर फेसबुक इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे हेडिंग इसकी देख सकते हैं, योर फेसबुक इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिलीट योर अकाउंट एंड इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे देख सकते हैं कि डिलीट योर अकाउंट एंड इन्फॉर्मेशन, आपको इस पर प्रेस कर लेना है। इस पर प्रेस करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा। एक ऑप्शन पहला नंबर मिलता है डीएक्टिवेट करने का, और दूसरा डिलीट अकाउंट का। यहाँ पे डीएक्टिवेट का मतलब होता है दोस्तों कि यहाँ पे यदि आप अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे कुछ दिनों के लिए आपका जो अकाउंट है टेम्परेरी, कुछ दिनों के लिए ये आपका डीएक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, यानी कुछ दिनों तक आपका अकाउंट बंद रहेगा, उसके बाद इसे आप चालू कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यदि आपको परमानेंटली डिलीट करना है, तो यहाँ पर आप सेकेंड नंबर पर टाइप करना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं डिलीट अकाउंट, आपको इस पर टाइप कर लेना। इस पर टाइप करने के बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कि कंटिन्यू टू अकाउंट डिलीटेशन, आपको इस पर प्रेस कर लेना है। आपको छोड़ देना है, सिंपली आपको नीचे कंटिन्यू अकाउंट डिलीट पे आपको टैप कर लेना है। ठीक है, आपको इस पर टैप करना। इस पर टैप करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि परमानेंटली डिलीट अकाउंट, यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको क्या क्या यहाँ पे, यदि आप कुछ इसमें से इस जो आपकी डाटा है उसको मैनेज करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आप पहले अपना कोई, यदि आपने मैसेंजर पर कुछ चैट किया हुआ उसको आप रखना चाहते हैं तो जाके ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ आपने कोई पोस्ट सेव की हुई है उसको आप यहाँ पे रख सकते हैं, या कोई आप उसको आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि आपने कोई इन्फॉर्मेशन रखी उसके यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। यदि नहीं करना चाहते तो सिंपली आपको नीचे यहाँ पे डिलीट अकाउंट पे क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको पासवर्ड मांगेगा, आपको यहाँ पे पासवर्ड लिख देना है, जो भी आपका फेसबुक का पासवर्ड है। उसके बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको ऑप्शन आ गया कि यहाँ पे कंफर्म परमानेंट डिलीटेशन योर अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि आपको क्या कंफर्म है पासवर्ड डालने के बाद कि यहाँ पे आपको अपना अकाउंट डिलीट करना है या नहीं करना है, तो यहाँ पे आप डिलीट पे कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऊपर चीज़ पर ये पढ़ सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे काम करना है दोस्तों कि यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको 30 दिन तक, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि यू आर अबाउट टू परमानेंटली डिलीट योर अकाउंट, इफ़ यू आर रेडी टू डिलीट चेक द डिलीट अकाउंट वंस यू सबमिट योर अकाउंट डिलीटेशन, यू हैव 30 डेज टू रिटेन। मतलब कहने के मतलब इसका ये होता है दोस्तों कि आपको आज, यानी कि आज मान लीजिए आज 10 तारीख है, ठीक है, आज 10 तारीख है, तो आपको अगले महीने के 10 तारीख तक इस अकाउंट को ओपन नहीं करना है। ठीक है, यदि इसके बीच में यदि आप इसको ओपन कर देते हैं अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड के द्वारा, तो ये आपका अकाउंट फिर से चालू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको एक महीने तक यानी कि 30 दिन तक आपको इस अकाउंट को कहीं पे भी लॉगिन नहीं करना है। 30 दिन के बाद 31वें दिन आप देखेंगे, यदि आप 31वें दिन यदि आप इसको लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे लॉगिन नहीं होगा, वहाँ पे दिखाएगा कि आपका कोई अकाउंट नहीं है। इसलिए ये इसको डिलीट करने में दोस्तों ये 30 दिन का आपको समय देता है। यदि आप चाहते हैं कि यदि आप मान लीजिए डिलीट करने के बाद यदि आपको ऐसा लगे मुझे डिलीट नहीं करना चाहिए था, तो आप इसको फिर से लॉगिन करके आप इसको चला सकते हैं। ठीक है, वहाँ से आपको जो डिलीटेशन की प्रोसेस है वहाँ से कैंसिल हो जाती है जब आप 30 दिन के अंदर इसको लॉगिन कर देते हैं। तो यदि आप इसको डिलीट करना चाहते हैं परमानेंटली, तो यहाँ पे डिलीट अकाउंट कर लीजिएगा और 30 दिन तक दे आप इसको यूज़ में मत लाइएगा, नहीं तो फिर से आपका अकाउंट चालू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिलीट अकाउंट पे मैंने प्रेस कर दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रोसेस जारी है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि योर अकाउंट इज़ शेड्यूल फॉर परमानेंटली डिलीट। ठीक है, और यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं रीजन, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे देख सकते हैं कि इफ़ यू लॉग इन टू फेसबुक विद इन द नेक्स्ट 30 डेज यू आर हैव द ऑप्शन टू कैंसिल द डिलीटेशन एंड, मतलब कि यदि आप 30 दिन से पहले आप इसको
लॉगिन कर देते हैं तो आपका जो ये डिजिटेशन की प्रक्रिया वो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको 30 दिन से पहले इसको लॉगिन नहीं करना है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि आपको मतलब यदि आप ऐसा कर देते हैं तो आपका जो अकाउंट है वो फिर से मतलब चालू हो जाएगा, डिलीट नहीं होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल टेक्निकल लकी स्टार को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।